नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने प्लेटफॉर्म रेलवे परीक्षा के झुलंत और क्रांतिकारी मंच पर। तो दोस्तों, मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज जुड़े हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को लेकर, जहां पर जो रेलवे का एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो रेलवे की जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, वो काफी कंफ्यूज हो रखे हैं कि सर क्या ये RRB ग्रुप डी का जो एग्जाम है, जो कि हवा उड़ी हुई है कि क्या ये एग्जाम अगस्त में होगा या नहीं होगा, या इस साल होगा या अगले साल होगा। इन सारी दिक्कतों से, इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों, मैं आज का ये सेशन लेने के लिए आया हूं आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक खुशखबरी आप लोगों के साथ है कि भी हाल ही में प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है कि जी हाँ, उन्होंने यह बताया है कि भैया आने वाले 1.5 वर्षों के अंतर्गत, 1.5 साल के अंदर लगभग 10 लाख वैकेंसियों पर भर्ती होना तय है। मतलब 10 लाख वैकेंसी आप लोगों की आंखों के सामने। अब जैसा कि माहौल बना रखा है ना दोस्तों, कि कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं यार, रेलवे जो ग्रुप डी का पेपर है वो अगले साल होगा या इस साल नहीं होगा। तो दोस्तों देखो, थोड़ी समझदारी दिखाओ, आसपास का जो माहौल है वो क्या कहता है, कंसेप्ट क्या कह रहा है, और हमें जो सूचनाएं मिल रही है वो। तो देखो बेटा, सबसे पहली सूचना तो ये मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि जहां जहां ये एग्जाम होने वाला है, जिस तरीके से एग्जाम होगा आपका RRB ग्रुप डी का, उनके जो टेंडर्स है वो दे दिए गए हैं, ठीक है। अब सूचना ये कि यार, अब हमारे कॉल लेटर कब आएंगे या इससे रिलेटेड सूचना कब आएगी कि भैया RRB ग्रुप डी का पेपर इस तारीख को या इस मंथ में होगा। तो दोस्तों, एक छोटी सी अहम मंत्रणा मैं आप लोगों के साथ में करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात हम आप लोगों के साथ में करना चाहेंगे दोस्तों, कि भैया आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जो रेलवे ने ना भाई साहब अपनी जो प्रक्रिया है ये भयंकर तरीके से तेज कर दी है। आप लोगों को पता है भी, हाल ही में गवर्नमेंट ने 10th+2 जो SSC का जो एग्जाम था ना, वो हाल ही में खत्म हुए आप लोगों के 10 जून को, पता है, और डायरेक्ट 12 जून से बिना तारीख देखे केवल 2 दिन के अंतर्गत NTPC CBT सेकंड का जो एग्जाम है वो स्टार्ट करा दिया गया है, और वो भी जल्द ही खत्म होने वाले हैं। आपके जो CBT 2 के जो पेपर लग रहे हैं अलग अलग लेवल के, वो भी खत्म होने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि अब तक जो रेलवे डिपार्टमेंट सो रहा था या जो गवर्नमेंट का जो ध्यान था इन एग्जाम्स के प्रति, उनका रुझान बढ़ गया है। और ये तो आप लोगों को भी पता है कि एक राजनीतिक कारण भी ये हो सकता है कि आने वाले 1.5 से 2 सालों में चुनावी प्रक्रिया है, तो गवर्नमेंट आपके 10 लाख वैकेंसी को पूरा करेगी। इसमें ये रेलवे की भर्ती परीक्षा भी, अब जब इतनी जल्दी ये काम हो रहा है, जब NTPC का एग्जाम आप लोगों का लग रहा है, तो बेटा अब बाकी बचा क्या, आप खुद सोचे, अब उम्मीद किससे है। अब उम्मीद दोस्तों आपके ग्रुप डी से ही तो है। अब जहां तक ग्रुप डी की बात बता दूं, तो दोस्तों यहां तक मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही अपने NTPC CBT सेकंड के एग्जाम्स खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके 10-15 दिन के अंतर्गत आपके कॉल लेटर, जी हां दोस्तों, कॉल लेटर या तो जारी कर दिए जाएंगे या उससे संबंधित सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी। टेंटेटिव अगर मैं मंथ की बात में बताता हूं, तो मैं एग्जाम डेट तो प्रोबेबल बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं 99.99% श्योर हूं कि दोस्तों जुलाई के लास्ट वीक में आप लोगों को आपके परमिशन लेटर यानी कॉल लेटर से संबंधित सूचना जारी हो जाएगी। अगर ऐसा होता है कि जुलाई के आखिरी वीक में आप अपने कॉल लेटर या उससे संबंधित सूचना अगर जारी हो जाती है, तो यह 100% मान के चलिएगा कि अगस्त से आप लोगों के ग्रुप डी के एग्जाम होना निश्चित है। जो लोग ये सोचकर अपनी तैयारी को विराम दे चुके थे कि यार अब एग्जाम अगले साल होगा, होपलेस हो चुके, तो बेटा उनसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। और हाँ, जो लोग ये सोच के तैयारी कर रहे थे कि यार एग्जाम कभी भी हो जाए, हम हमारी तैयारी को पर्टिकुलर तरीके से रखने वाले हैं, तो दोस्तों वो बंदे अब की बार जीत में रह जाएंगे। अगस्त में एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। और दूसरी बात, लोगों लगभग करोड़ के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरे, आप लोगों को पता है, तो भैया अलग अलग फेज में जब ये एग्जाम होगा तो 1 या 2 दिन में एग्जाम नहीं होने वाला, ये एग्जाम लगभग आप लोगों का 1 से 1.5 महीना, 1.5 से 2 महीने तक कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, तो ये जो एग्जाम की प्रतिक्रिया है, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक ये ग्रुप डी की एग्जाम प्रक्रिया पूरी कर देने का अंदेशा है। और साथ ही दोस्तों, आपको ज्वाइनिंग भी, इसका रिजल्ट भी उतनी रफ्तार के साथ आ जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जहां तक हमें अंदेशा लग रहा है कि PM मोदी साहब ने जो ट्वीट किया है, ये इसी की तरफ कहीं ना कहीं अंदेशा है, ठीक है। वैसे अभी तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया, लेकिन हाँ, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक है दोस्तों, कि एग्जाम अगर आपका कॉल लेटर की सूचना या उसके बारे में कोई भी अधिसूचना जुलाई के लास्ट वीक या मिड वीक में जारी होती है, तो अगस्त में आपका 100% RRB ग्रुप डी का पेपर होना तय है।
और आगे भी दोस्तों अगर इससे संबंधित कोई नई सूचना कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे। ऐसी और भी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिएगा दोस्तों रेलवे परीक्षा के प्लेटफॉर्म पर, और आगे भी अगर कोई ऐसी कोई ज्वलंत कोई न्यूज आती है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है मैं जरूर आपके लोगों के सामने लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।